उत्तर प्रदेश की, बदलता उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री के साथ है, उनसे जानना चाहेंगे कि इस यूपी इन्वेस्टमेंट समिट से क्या शिक्षा को कितना फायदा होगा। देखिए, बदलता उत्तर प्रदेश जो आपने कहा, उसमें उत्तर प्रदेश में शिक्षा के भी हालात बदल रहे हैं। शिक्षा बहुत बेहतर हुई है, वो चाहे बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा हो। लेकिन जहाँ तक बेसिक शिक्षा की बात है, पहले ये केवल एक सरकारी विद्यालय माने जाते थे, जहाँ पर बच्चे केवल मिड डे मील के लिए आएंगे, निःशुल्क सुविधाओं के लिए आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन ने, यह संभव कर दिखाया है। इतने कम समय में हमने बहुत सारे चीज़ें शिक्षा में किए हैं। जैसे शिक्षा की यूनिफॉर्म बदली, एक आत्मविश्वास बच्चों में आया, हमने बच्चों को जूते मोजे पहनाने का काम किया, एक कॉन्फिडेंस जगा है, बेहतर को लगता है, माँ बाप को लगता है कि हाँ, मेरा बच्चा भी एक अच्छे स्कूल में जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो निःशुल्क सुविधाएँ मिलती थी, उनको हमने टाइम से देने का काम किया। पिछली सरकार में दिसंबर में जाके किताबें मिली थी, अगस्त माह में उनके मिड सेशन में आए थे, बच्चों के बैग से किताबें देने का काम किया। जब चीज़ें देर से मिलती हैं तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है, लेकिन हमने सरकारी सुविधाओं को, गरीब जनता की एक एक जो पाई पाई का हिसाब होता है, जो सरकारी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, उनका प्रतिफल मिले ठीक ठीक, ये काम करना शुरू किया है। विश्वास जगह है, शिक्षा का वातावरण अच्छा हुआ है, और इस यूपी इन्वेस्टर समिट के माध्यम से विकास होता है तो समग्र विकास होता है। उसमें भले ही अभी हमने बेसिक शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इससे बेसिक शिक्षा के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत आत्मविश्वास आएगा, साइड बाई साइड बहुत सारी चीज़ें हमें भी मिलेगी। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पहले फर्जी डिग्रियों के लिए जाना जाता था, क्या अब उसमें कुछ लगेगा? हाँ, लगा है, लगेगा नहीं, लगा है। और यह उत्तर प्रदेश की सरकार है, यहाँ सबको पता है, योगी सरकार में किसी तरीके का भ्रष्टाचार, किसी तरह से फर्जी डिग्रियाँ, फर्जी काम, फर्जी वाड़ा कहीं भी हो, किसी भी बात का नहीं चलने वाला, तो नहीं चलने वाला। अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा, ये शिक्षा मंत्री का कहना है उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के बाद। संदीप चौहान के साथ अशोक गोयल।